जी अगेन, ये हमारे पास जो मेथड्स का मेथड का नाम है वो है डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, और इसका एक और नाम है जिसे हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, डेप्रिसिएशन की अमाउंट जो है हर साल डिक्रीज होती जाएगी, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, इसमें डेप्रिसिएशन जो है वो हम चार्ज करेंगे किसके ऊपर, कैरिंग अमाउंट के ऊपर, बुक वैल्यू के ऊपर या रिटर्न डाउन वैल्यू के ऊपर, ये कॉस्ट के ऊपर नहीं करेंगे। और इसका फार्मूला मेरे पास है, वो क्या है, 1 - s/c, उसकी पावर मैंने लेनी है 1/n। ठीक है, उसकी पावर मैंने लेनी है 1/n। तो अब मेरे पास s/c जो है बेटा, पहले मैंने इसको सॉल्व करना है और फिर मैंने इस पार की तरफ जाना है। पहले मैंने s/c को कैलकुलेट करना है, फिर मैंने पार की तरफ जाना है, फिर जो आंसर आएगा, फिर उसमें से जो है वो, फिर मैंने 1 में से वो आंसर जो है वो माइनस कर देना है, फिर मेरे पास जो है ना ये इसका आंसर जो है वो कैलकुलेट होगा। जैसे कि मेरे पास क्वेश्चन नंबर जो है वो 4, 5, 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे पास। मेरे पास उसने बोला है कि कैसेट है आपके पास, वो क्या आपने 2002 में परचेज किया, कितने का परचेज किया आपने, 1,55,000 का, और 5,000 इसके ऊपर दिया फ्रेट। तो एसेट की कॉस्ट कितनी बनेगी, सर 1,60,000 एक लाख साठ हजार 1,60,000। एसेट की कॉस्ट मेरे पास 1,60,000 है, और इसी में कहता है वो आपके पास जो है वो जो स्क्रैप वैल्यू है वो है 10,000। ठीक है, सेल्वेज वैल्यू जो है वो है 10,000। ठीक है, और फिर वो कहता है कि इसकी यूजफुल लाइफ कितनी है, वो है 4 years। ठीक है, तो अब हमने इसको सॉल्व करना है। पहले मैंने बोला है कि इस ये जो फार्मूला है इसका, ये पोर्शन जो s/c है, पहले इसको हमने जो है ना कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो s/c को हम जब डिवाइड करते हैं हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आता है, आप लोग पहले s/c को कैलकुलेट करें, मैं वैसे एक्सेल के ऊपर ये सारे इकट्ठे कर सकता हूँ। कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते जाएं, सर 0.0625। s/c। ठीक है, आप पहले 1/4 को डिवाइड करें, कितना आंसर आता है आपके पास, सर 0.25 आता है, 0.25। 0.25 जी बेटा, अब क्या करेंगे, वो जो पहले आपने s/c किया था ना, s/c उसकी जो है बेटा आप पॉइंट ले लेंगे, उसका जो पार जो है ना वो ले लेंगे आप 0.25। सर 0.5 आ रहा है। 0.5 0.5 आ रहा है। अब आपके पास फार्मूले में आप दो चीजें आपने कर ली हैं, ये s/c भी ले ली है और उसकी पार 1 - 1/n भी ले ली है। ठीक है, जी अब सर। आपने क्या करना है, वन माइनस ये फार्मूले वाला वन, उसमें से अब जो आपके पास आंसर आया इस सारे का कितना आया, 0.5 आया है, तो 1 में से ये सारा जो है वो माइनस कर देंगे जो कि 0.5 आया है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.5। ठीक है, तो इसको परसेंटेज आपने कैलकुलेट करना है, तो रेट के लिए इसको आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको 100 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो ये आपके पास 50% डेप्रिसिएशन आ जाएगी। सर ये 1 में से माइनस नहीं करेंगे, करेंगे ना, 1 माइनस वो इसको 1 में से माइनस नहीं करना, 1 को माइनस, सॉरी इसको जो है आपने 1 में से माइनस करना है, ये जो आपने ये वाले अमाउंट निकाली है ना s/c, और उसको जो है पार लिया आपने 1/n जो कि 0.5 आ रही थी, अब आप क्या करोगे, 1 माइनस वो वाला आंसर 0.5, तो आपके पास अगेन आंसर 0.5 ही आएगा। सर वो नेगेटिव में आएगा ना, जी सर वो नेगेटिव में आ रहा है,
किस में आ रहा है, 90s में? सर नेगेटिव नहीं, आप गलत कर रहे हो ना। आप पता क्या करोगे, पहले लिखोगे 1, फिर उसमें से माइनस करोगे 0.5, तो आपका नेगेटिव में आंसर नहीं आएगा, पॉजिटिव में आएगा। आप क्या कर रहे हो, वो 0.5 में से माइनस 1 कर रहे हो, नहीं 1 में से 0.5 जो है माइनस करेंगे। देखिए 1 पहले है और उसके बाद जो आंसर है वो माइनस किया गया। जी सर, ठीक हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से वो एक क्वेश्चन हम जो पहले कर रहे थे उसको भी देख लेते हैं, वो जिसमें हमारे पास स्क्रैप वैल्यू कितनी थी सर? 30,000 30,000 ठीक है, और मेरे पास जो है कॉस्ट उसकी कितनी थी सर? 2,30,000 2,30,000 और इसकी जो पावर मैंने लेनी है वो लाइफ कितनी थी उसकी बेटा? सर 5 साल 5 साल थी क्या? 5 years ठीक है। तो आप भी इसको करें जिस तरह से मैंने आपको करवाया है, जहां पे आप लोग मसले हैं तो बताइएगा। सबसे पहले s ओवर c निकालें। जी सर। सर 0.1 फिर 1 ओवर 5 निकालें। सर 34% आ रहा है। 33-34% के करीब ठीक है। जी सर। मेरे पास आ रहा है 33.46 सर, यही ठीक है। तो आपने बेटा इस तरह से रेट कैलकुलेट कर लेना है डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड का, ठीक है। और एमसीक्यूज में मैंने इस तरह से एमसीक्यूज देने हैं आपको, मतलब एस बता दूंगा, सी बता दूंगा, एन बता दूंगा और कहूंगा कि रेट बताएं, तो फिर आपने ये फार्मूला यूज करना होगा। इसमें इतनी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप जो है वो एक मिनट से पहले रेट कैलकुलेट कर सकें। आप खुद से अमाउंट अज्यूम करते जाएं और खुद से जो है वो करते जाएं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस के ज्यादा नहीं है, आपके पास 2 या 3 प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, तो आपने खुद से जो है वो अमाउंट अज्यूम करनी है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। इतनी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए कि आप ये क्वेश्चन जो है रेट जो है वो 30-40 सेकंड्स में कर लें, ताकि आपका जो है ना एमसीक्यूज पे ज्यादा टाइम ना लगे। इस तरह के एमसीक्यूज होंगे, 5-7 MCQs मैं दूंगा, जिनमें से आपके हिस्से के 2 आते हैं, 1 आता है, 3 आते हैं, वो बाद में देखेंगे कितने आते हैं। तो इसके आपने रेट की जो है ना वो अच्छे से जो है प्रैक्टिस कर लेनी है। फार्मूला अगेन आपने सेम यही यूज करना है। सर ये सिर्फ डिक्लाइनिंग के आएंगे एमसीक्यूज? जी नहीं यार। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे हमने क्या करना होता है, इसका स्केड्यूल बनाना होता है, तो स्केड्यूल की तरफ मैं जा रहा हूँ। इसका स्केड्यूल बाकियों से थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमने ईयर्स को देखना है, उसके बाद हमारे पास कॉस्ट होगी, उसके बाद हमारे पास डेप्रिसिएशन रेट होगा जो कि अभी हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है। और उसके बाद जो है बेटा हमारे पास
आज हम मोलस शीट के ऊपर आए हुए हैं। उसके बाद हमारे पास डेप्रिसिएशन अमाउंट होगी, फिर हमारे पास अकॉमोडेटेड डेप्रिसिएशन होगी, फिर हमारे पास जो है वो बुक वैल्यू होगी या कैरिंग अमाउंट होगी, जो भी नाम देते हैं आप। इसमें एक एडिशन हुआ है, किसका हुआ है बेटा? रेट का हुआ है। इसमें एडिशन हुआ है रेट का, ठीक है, ठीक है। तो ईयर हमारे पास अगेन जीरो है, कॉस्ट हमारे पास एसेट की 1,60,000 है, डेप्रिसिएशन रेट कितना है 50% है, डेप्रिसिएशन अमाउंट पहले साल नहीं होती, अकॉमोडेटेड भी नहीं होती, बुक वैल्यू कितनी होगी वही 1,60,000 जीरो पीरियड में, ठीक है। अब अगेन पहला साल है, कॉस्ट तो सेम रहनी है और रेट भी सेम रहना है, ठीक है। डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट करनी है, और डेप्रिसिएशन के हवाले से मैंने बोला था किसके ऊपर कैलकुलेट करनी है आपने, कॉस्ट के ऊपर या बुक वैल्यू के ऊपर? सर बुक वैल्यू, ठीक है। तो 1,60,000 जो है इसका मैं लूंगा 50%, ठीक है। तो जब 50% लेते हैं तो क्या करते हैं, 50% है ना, तो 50/100 करते हैं, तो 50/100 को जो है जब हम करते हैं तो 0.5 आंसर आता है, जो मैं डायरेक्ट 0.5 ले रहा हूं, ठीक है। तो ये 80,000 मेरे पास आएगी डेप्रिसिएशन। अकॉमोडेटेड डेप्रिसिएशन कितनी आएगी? वो भी 80,000 आएगी पहला साल। और बुक वैल्यू कितनी आएगी बेटा? सर 80,000। 80,000। अब आएंगे सेकंड ईयर में। सेकंड ईयर में बेटा क्या है हमारे पास जो है वो कॉस्ट सेम है, डेप्रिसिएशन रेट सेम है, लेकिन डेप्रिसिएशन चेंज हो जाएगी। अब डेप्रिसिएशन हमने कितनी लेनी है बेटा? सर 80,000 पे लेंगे 50%। 80,000 पे लेंगे, 80,000 का कितने परसेंट लेंगे बेटा? सर 50% 0.5 लिखूंगा मैं, तो ये 40,000। कंप्लीटेड डेप्रिसिएशन कितनी आ जाएगी सर? 1,20,000। और बुक वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? सर 40,000। 40,000। थर्ड ईयर में जब मैं जाऊंगा तो मेरे पास कॉस्ट सेम रहेगी, डेप्रिसिएशन रेट सेम रहेगा, डेप्रिसिएशन की अमाउंट जो है वो डिफर करेगी, वो अगेन मैं किस पे लूंगा बेटा? 40,000 पे लेंगे। 40,000 का जो है वो 50% जो है वो मैं लूंगा, जो आता है 20,000। जी सर। अकॉमोडेटेड डेप्रिसिएशन कितनी हो जाएगी बेटा? 1,40,000। सर बुक वैल्यू और ये कितना हो जाएगा? 1,20,000। ये होगा 20,000। उसके बाद फोर्थ ईयर में आ गया, ये लास्ट ईयर है मेरे पास। अच्छा, इसमें एक ये है कि कभी कभी आपके अमाउंट इसमें तो सेम आ रही हैं, कभी कभी आपके अमाउंट जो है वो पहले को उतनी बच नहीं रही होती, ठीक है। तो आप इस आखिरी के लिए जो लास्ट होगा इसमें पता है आप क्या करोगे, आप जाओगे एंड पे, एंड पे जितनी रेजिडुअल वैल्यू होगी वो लिख दोगे। सपोज रेजिडुअल वैल्यू कितनी है आपकी? सर 10,000। वैसे इस डायरेक्ट करें फिर भी हमारा आंसर ठीक आएगा इस क्वेश्चन में, लेकिन मैं आपको वो बता रहा हूँ कि आपने एंड पे जो है इसकी वर्किंग कुछ इस तरह से करनी है, एंड पे जितनी रेजिडुअल वैल्यू होगी ना वो आपने लिख देनी है। यहाँ पे कितनी है? 10,000 है, ठीक है। तो अब एसेट है उसकी बुक वैल्यू 20,000 है पिछले साल, और इस साल जो है उसकी जो है बुक वैल्यू नेक्स्ट ईयर कितनी होगी? 10,000 होगी। तो पिछले एक साल में डेप्रिसिएशन कितनी होगी बेटा?